सही कहा मिनी तुमने, मैं जिम्मेदार हूँ बोनिता की इस हालत का। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ मिनी। जैसे बोनिता को होश आए और वो सफर काटने के काबिल हो, मैं खुद उसे उसकी माँ के पास छोड़ आऊंगा मिनी। मैंने अपना वचन निभा दिया है बिनॉय अंकल, हरा दिया मैंने अनिरुद्ध को। बोंदिता इस हवेली से चली जाएगी और उसकी जगह लूंगी मैं, आपकी नई बहू सदामिनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बोंदिता को वो चमत्कारी दवाई मत लेने दीजिएगा। बोंदिता क्यों लेगी कोई चमत्कारी दवा संपूर्ण? वो एक दवा बेचने वाला आया था। मुझे डर लग रहा है संपूर्ण दीदी। दवे वाले से क्या डरना? पति बाबू से डर लग रहा है मुझे, वो नहीं मानते इन चमत्कारों को। जब तक लिखा ना उनकी मोटी सी किताब में, वो कुछ नहीं मानते। बाद में तो ये चले जाएंगे ना, तब क्या करेंगे? गलती मेरी है, मुझे लगा बोंदिता की बिस्तर गीला करने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी, और मैंने इनके लिए भी दवाई ली और उनके खाने में मिलाया, और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। संपूर्ण पूछना चाहिए ऐसा कुछ करने से पहले। वहां बोंदिता सौरभ कैसा है? वो ठीक है अभी, वो दवा बेचने वाला झूठा था। अब बोंदिता को वो चमत्कारी दवाई मत लेने दीजिएगा। इसका मतलब बोंदिता की ये हालत वो नकली दवाई खाकर हुई है। अनिरुद्ध बाबू, बहू जी को होश आ गया है। बहू तुम ठीक तो हो? बोंदिता? अनिरुद्ध मिनी हटो ना, देखने दो बोंदिता को। बोंदिता कैसी हो तुम? कुछ दुख रहा है कहीं? कुछ लगा? कुछ मंगवाओ। बिहारी ठीक हो ना तुम? बोंदिता पेट में गला जल रहा था, पर मैंने बिल्कुल पानी नहीं पिया। आपको चुनौती हारने दूंगी क्या? मैं साथ मिलकर ही जीत सकते हैं ना हम दोनों? सही किया ना मैंने पति बाबू? अब तो अच्छी पत्नी बन गई हूँ ना मैं? दूर है पर समस्या ठीक हो जाएगी ना मेरी? जाने क्यों भरोसा है तुझ पे, मैं ना समझ ज्ञानी है तू। मैं धूल हूँ आसमां तो, मैं हूँ इस मिट्टी से। विलायती बाबू है तू, फिर भी मिल ही जाएंगे। मिले जैसे सांझ और सवेरा, तू पराया होकर लगता अपना सा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। हाँ बोंदिता, बहुत
बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। पता है आज तक मैंने तुम्हारी जैसी लड़की देखी ही नहीं जिसमें इतनी हिम्मत हो, इतना साहस हो। इतना साहस कि एक बार अपने पैर गाड़ दे फिर चाहे तूफान भी आ जाए टस से बस नहीं होगी। कैसे आती है तुम में इतनी हिम्मत, कहां से आता है इतना साहस तुम में? वो शुक्रिया खाने से। ताकत नहीं है बदन में, पर देखो रसगुल्ला नहीं छूट रहा मन से। मोहनिता, मैं तुम्हें रसगुल्लों की हांडिया लाकर दूंगा रोज। जब तुम ठीक हो जाओगी रोज खाना, ठीक है? शक्ति शक्ति। और अभी तुम बोल पा रही हो इसका मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है, है ना? अभी अभी तो होश आया है निरुद्ध बोंदिता को, थोड़ा आराम भी तो करना होगा ना बोंदिता को। इतनी सारी बातें करोगे तो अभी नहीं उठ जाएगी बिस्तर से वो। हे दुक्का माँ, शुक्र है तेरा, पला टल गई बोंदिता की। कितने बड़े खतरे से उभर आई हमारी छोटी सी बोंदिता। अगर इसे कुछ हो जाता तो तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते ना अनिरुद्ध। ऐसे मुझे लगता है ये जो तुम्हारे खाने पीने के नियम है ये भी बोंदिता के लिए ठीक नहीं। बोंदिता, अब से तुम पर खाने और पीने के कोई नियम लागू नहीं होंगे। कुछ नहीं, जो मन कहे जब मन कहे खाओ पियो जैसा तुम्हें लगे। बहुत कम से कम तूने अपनी जिद तो छोड़ी, सही रास्ते पर तो आ रहा है तू। और ये ठीक कह रही है ये सौदामिनी, अभी बहू कमजोर है, उसको आराम की जरूरत है। कोयली, बहू को उसके कमरे में ले जाओ। और सुनो, वो कच्चा घास फूस मत देना खाने को। अरे कुछ घी मेवे बादाम से भरपूर भोजन देना, ताकत मिलती है उससे, जानती हो ना? बहू की जान से बड़ा है क्या कुछ? नहीं काका ससुर जी, ना मिठाई चाहिए मुझे, ना नमकीन। जैसा पति बाबू कहते हैं वैसा ही खाना खाऊंगी मैं, घास फूस पर उबला ही खाना खाऊंगी। ताकत तो उससे भी आती है ना, स्वादिष्ट नहीं होता तो पौष्टिक तो वही होता है ना। किताब में भी लिखा है ना पति बाबू, पति बाबू से वादा किया है मैंने। चाहे कुछ हो जाए साथ दूंगी उनका। तुम्हें मेरा साथ देना होगा भुनिता। तो मैंने जो जो बातें जैसे जैसे कही हैं उन्हें तैसे ही याद रखना है। हर दो घंटे में एक गिलास पानी पीना है, शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, और मिठाई भी नहीं खानी है, समय पे सो जाना है और योग करना है। बिल्कुल सही भुनिता। पति बाबू इतनी कोशिश कर रहे हैं कि समस्या दूर हो जाए मेरी, तो क्या मेरा धर्म नहीं तो मैं भी साथ कोशिश करूं, है ना पति बाबू? कैसे हारने दूं इन्हें? अभी धर्म की बात कर दोगी तो चुप ही तो हो जाएंगे ना हम। अनिरुद्ध, पत्नी है तुम्हारी, समझाओ उसे। देखो अब तुम्हारे सिर से फितूर उतरा तो इसने अपने सिर पे चढ़ा लिया।
बंधुता, तुमसे बढ़कर है क्या मेरे लिए कोई चुनौती? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो हार जीत मायने रखेंगे क्या मेरे लिए? हाँ? कुछ नहीं होगा बंधुता को पति बाबू, ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा आप ही कहते हो ना पति बाबू, तो हम हार कैसे मान ले? आपको नहीं पता, जब तक दुखदा माँ भी साथ है हमारे, मैंने कहा था उनको कि हमें जिता देंगे चुनौती और हमेशा के लिए दूर कर दे मेरी समस्या। और आप तो जानते ही हो, बंधुता की बात हमेशा मानती है दुखदा माँ। याद है ना मेरे कहने से कैसे भेज दिया था माँ को? तो अब आप तबीयत की चिंता मत करो, आपको मेरी समस्या का हल निकालना ही पड़ेगा। करेंगे बंधुता, तुम्हारी समस्या दूर करके रहेंगे। कोयली दीदी, आप ले चलिए मुझे मेरे कमरे में, फिर जैसा पति बाबू ने कहा है वैसे ही खाना बनाना मेरे लिए, ठीक है पति बाबू? अनिरुद्ध, जैसा तुमने कहा था मैं उसका सामान बांध देती हूँ, जल्दी निकले तो सूरज ढलने से पहले हम उसे घर छोड़कर वापस आ सकते हैं। बंधुता तो छोटी बच्ची है, उसे चुनौती की हार जीत ये सब खेल लगता है उसे। लेकिन मैं जानती हूँ, तुम समझते हो ये सब बंधुता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बिनॉय अंकल, काका, आपने तो बंधुता की हालत देखी है, तो अगर हम उसे बैलगाड़ी के जगह मोटर गाड़ी में छोड़कर आए तो सही रहेगा ना? तुम्हें क्या लगता है अनिरुद्ध? नहीं मिनी, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। बंधुता कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। देखा नहीं आप लोगों ने बंधुता को कितना भरोसा है मुझ पर, अपने आप पर? क्या चाहते हैं आप लोग, तोड़ दूं मैं उसका भरोसा? जब बंधुता खुद हार नहीं मान रही तो मैं हार मान सकता हूं क्या? जब बंधुता लड़ने के लिए तैयार है तो मैं अपने घुटने कैसे टेक सकता हूं काका, कैसे बाबा? इसीलिए जब तक चुनौती का समय पूरा नहीं होता तब तक हार जीत का फैसला भी नहीं होगा बाबा, हार जीत का फैसला भी नहीं होगा बाबा। जब बंधुता को विश्वास है कि हम मिलकर जीत सकते हैं तो हम मिलकर जीतेंगे ये चुनौती। और मेरे लिए नहीं बाबा, बंधुता के लिए, बंधुता की समस्या दूर करने के लिए, बंधुता को सुबह उठकर शर्मिंदा ना होना पड़े इसके लिए, इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश। पर अनिरुद्ध, पर अगर तुम्हारी जिद की वजह से बहू की तबीयत फिर से खराब हो गई तो, जैसे आज हुआ है वैसे ही अगर उसकी जान पे पन आई तो? काका, बंधुता को मेरे कड़े नियमों की वजह से कुछ नहीं हुआ, उसने एक गलत दवा पी ली थी उसके कारण हुआ ये सब। और उस शीशी में जो जड़ी बूटियां मिलाकर रस दिया हूं ना, उसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। अपनी समस्या दूर करने के लिए उसने किसी ठग से कोई दवा ले ली थी। क्या? कौन ठग? किसने किया ऐसा? नाम बताओ।
काल कोठरी में डलवा देंगे हम उसे। काका वो ठग यहाँ बैठा थोड़ी ना होगा हमारे साथ। हाँ पर उस लड़की को इतनी तो अकल होनी चाहिए, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि क्या हो रहा है उसके साथ। इस घर में बड़े लोग हैं, नौकर चाकर हैं, किसी से भी कह सकती थी। नहीं कहा उसने, माना कि उससे गलती हो गई है दादा, पर इसकी कौन सी गारंटी है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी? है कोई गारंटी? उसकी जान की चिंता लिए बैठे रहेंगे क्या हम हमेशा दादा? ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की को जल्द से जल्द उसकी माँ के पास छोड़ देना चाहिए। पता नहीं कल को कौन सा अनर्थ हो जाए, जान बचाते दौड़ते फिरेंगे क्या हम? देख लेना दा, किसी दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए गए। बाबा बाबा, ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी दिन बोनिता खुद कोर्ट कचहरी जाए। ऐसा भी हो सकता है ना कि बोनिता पढ़ लिख कर मेरे जैसे बैरिस्टर बने। जैसे लोग मुझे बुलाते हैं वैसे बोनिता को भी बुलाएं, बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर बाबू। अनिरुद्ध, के दिन में सपने देखने वालों को ना पागल कहती है दुनिया। थैंक यू बाबा बताने के लिए कि मैं पागल हूं, और वही पागलपन मैंने आज बोनिता में देखा। हिम्मत वाला पागलपन, जीतने का साहस रखने वाला पागलपन, अपना भाग्य खुद लिखने वाला पागलपन। पापा, बोनिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हारने के डर से निकाला है। मानता हूं कि आज जो बोनिता ने किया उसका तरीका गलत था, पर उसका इरादा सच्चा और पक्का था। और आप लोग चाहते हैं मैं बोनिता का हाथ छोड़ दूं? ऐसा मैं नहीं करूंगा। अब हमारी ताकत एक और एक मिलकर दो नहीं बल्कि 11 हो गई है बाबा। अब हम हर चुनौती को एक साथ मिलकर हराएंगे। और आप कह रहे थे ना हार जीत, नहीं बाबा, अब ये चुनौती हार जीत से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर हो गई। अब चाहे कुछ हो जाए मैं बोनिता का हाथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं बोनिता का साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनिरुद्ध, भाषण तो बहुत ही बढ़िया देते हो तुम, दिल खुश हो गया मेरा। पर क्या इन शब्दों की दवा बनाकर पिलाओगे बोनिता को? इस भाषण की धार से काटोगे उसकी समस्या को? अनिरुद्ध, ये जो बोल है ना, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाजार में इन बोलों की कोई कीमत नहीं होती है। सिर्फ 10 घंटे हैं तुम्हारे पास, 10 घंटे एकादशी शुरू होने से पहले। क्या करोगे? मेडिसिन और आयुर्वेद की कुछ किताबें पढ़कर तुम्हें क्या लगता है कि तुम डॉक्टर बन जाओगे? रातों रात इलाज खोज डालोगे उसका? कम ऑन। बल्कि दादा मुझे तो डर है, वो क्या कहते थे आप, नीम हकीम खतरे जान, सुना है ना तुमने? ऐसा ना हो जाए तुम्हारा हाल। भूलो मत अनिरुद्ध, सालों की मेहनत के बाद बैरिस्टर बने हो तुम, और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। ये 2 किताबें पढ़कर तुम्हें क्या लगता है कि डॉक्टर बन जाओगे? एक बैरिस्टर का दिमाग बैरिस्टर की तरह चलता है, तर्क कर सकता है, शब्दों से खेल सकता है, पर डॉक्टर बनना चाहोगे ना तो मुंह की खाओगे।
फिर से थैंक यू बाबा मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं बैरिस्टर हूँ। आपको लगा होगा कि शायद मैं भूल गया हूँ कि मैं लंदन से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आया हूँ यहीं। शायद आप भूल गए हैं बाबा कि बैरिस्टर सिर्फ क्लाइंट के लिए तर्क नहीं करता, अपने क्लाइंट के केस के जड़ तक पहुंचता है, उसकी समस्या ढूंढता है, समझता है और फिर केस को सॉल्व करके जीतता है। ऐसे ही मैं बोंदता को एक केस समझकर उसकी समस्या की जड़ तक पहुंचूंगा, ढूंढूंगा, समझूंगा कि आखिर क्या है प्रॉब्लम और फिर बोंदता का केस जीतूंगा बाबा, मतलब बोंदता की समस्या दूर करूंगा। संपूर्ण रुक जाओ, लाओ ये छड़ी मुझे दो। गलती तुमने की है तो दंड देने का अधिकार मुझे नहीं मिलना चाहिए। लीजिए, मारिए मुझे, लीजिए दंड। गलती जो की मैंने, मुझे उस झूठे दवा वाले से दवा लेनी ही नहीं चाहिए थी। बस रहने दो, ये सब कह के कोई फायदा नहीं है संपूर्ण। बस मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना गुस्सा भरा हुआ है कि तुम मुझे दर्द पहुंचा सकती हो। तुम्हारे बाबा के साथ जो भी हुआ क्या उसका दोषी तुम मुझे मानती हो? ना, ऐसे सोचना भी मेरे लिए पाप है। मैंने तो वो दवा इसलिए ली थी। आपके पास कोई ऐसी दवा है जिससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए और कभी नहीं टूटे? ताकि हमारा रिश्ता मजबूत रहे, कभी ना टूटे और हम एक दूसरे के साथ रहे हमेशा। अच्छा, इसीलिए तुमने मुझे दवाई खिलाई ताकि हमारा रिश्ता मजबूत रहे। अरे रिश्ता तो वो मजबूत रहता है जिसमें कुछ छिपाया नहीं जाता, वो रिश्ता जिसमें पति और पत्नी हमेशा हर हाल में एक दूसरे का साथ दे, वो होता है रिश्ता। जैसे जमाई बाबू और बोंदिता एकादशी की चुनौती के लिए साथ है, वैसे चुनौती फिर इसके लिए चाहे मुझे डॉक्टर बनना पड़े या बैरिस्टर। मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाऊं, बहुत बढ़िया है, देखिए, गिली 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 गिली, छू। बंद करो ये तमाशा बटो, पहले कम तमाशा चल रहा है उस लड़की का जो तुम भी दिखाओगे हमें, परेशान करना बंद करो, समझे? इस बोंदिता ने तो सारा खेल खराब कर दिया, पूरी बाजी ही पलट दी। से पाँव नीचे ना रखूं मैं, मुझे जो चाहिए
बस आदेश कर दूं। जो भी ख्याल रखा है मेरा उन्हें इनाम मिल रहा है। काका ससुर जी देंगे इनाम, और जो नहीं मानेगा मेरी बात उसे दंड मिलेगा काका ससुर जी से। तो बोलो दंड चाहिए क्या? अब देखो वोली दीदी हाथ पैर दबा रही थी मेरा, पेट भरा है मेरा, पर फिर भी इतने सारे फल दिए खाने को बागी बाबू ने। सिर्फ तुम ही हो जो मना कर रहे हो बात मानने से। ठीक है, कह देती हूँ काका ससुर जी से। काका को क्यों बुलाती हो? यहाँ तो आकर ही गलती की है मैंने। अब गलती की है तो कुछ करना पड़ेगा ना मेरे लिए, वरना आज ही नई छड़ी देखी है मैंने काका ससुर जी के पास। जादू देखोगी? बड़े सारे जादू आते हैं मुझे। जादू आता है तुम्हें? हाँ, पर रहने दो क्योंकि तुम्हें तो शिकायत करनी है ना मेरी। जादू दिखाओगे तो करूंगी क्या शिकायत? अच्छा, सेब को रसगुल्ला बनाना आता है तुम्हें? दवा के घोल को छेना खीर बना सकते हो? जादूगर बटुक कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से बाबा ने डांटा ना मुझे, मेरी छड़ी भी तोड़ दी। अब ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आंख से आंसू टपकेंगे इसके। जादू का मजा अंधेरे में ही आता है। मुझे नहीं देखना तुम्हारा ये जादू। अब तो जादू देखना ही पड़ेगा। अब देखना, यहाँ पर जादू होगा, अंधेरे से उजाला हो जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद रखना, फिर जैसे ही आंखें खोलोगी ना तो यहाँ पर सब कुछ आसमान के तारों की तरह चमकने लगेगा। हवा चलेगी, सिर्फ मुझे डराने के लिए कर रहे हो ना? खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। डर गई बॉली, डर गई। बाबा, बाबा को सांप काट लेगा बाबा।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.